अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई? मेरा वीकेंड तो बड़ा ही भरपूर गुजरा। हर रोज कहीं ना कहीं जाना था और एक दिन में एक नहीं बल्कि दो दो शादियों में ईस्ट और वेस्ट, यानी कराची के एक कोने में एक शादी होती थी, कराची के दूसरे कोने में दूसरी शादी। जैसे ही वो कोरोना की जो लिमिटेशंस और जो एक पाबंदियां लगी थी वो खत्म हुई हैं, तो शादियों का एक बुहरान सा हो गया है। जो कार्ड्स हैं वो एक एक दो दो तीन तीन शादियां एक दिन में हमें बता रहे हैं कि भाई इस दिन इस जगह जाना है, इस दिन इस जगह। शादी हॉल्स नहीं मिल रहे क्योंकि मेरे भाई की शादी की तैयारियां भी उरूज पर हैं, तो हम लोग भी बड़े परेशान हैं। क्या मेन्यू रखें, क्या सेलिब्रेशन हो, किधर वेन्यू हो, मतलब लाइक लोगों ने तो एक एक साल पहले बुकिंग्स कराई हुई हैं, तो इसलिए बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही है ये डिसाइड करने में। मगर साथ साथ हमारी डांस प्रैक्टिसेस भी उरूज पर हैं कि भाई बिल्कुल डेट सर पर आ गई है, बरी की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। तो जब मैं ये सब तैयारियां भागम दौड़ करी तो मेरे जहन में आया कि हाय हाय, ये तो शादी सीजन शुरू हो गया है और शादी सीजन में आपका दिल चाहता है कि आपको हर तरफ, अच्छा बताए क्या, मोबाइल ऐसा लगता है सुनता है जब आप आपस में बातें कर रहे हो, यार ये भी जाना है, वहां पे भी ये भी करना है, या शादी के जोड़े खरीदने हैं, या आपको डाइट करनी है, तो आपके मोबाइल में ना ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा होता है, वही चीजें आने लगती हैं कि कपड़े डिजाइनर्स के नाम आ गए स्पॉन्सर्ड, पतले होना है तो अलग अलग एप्स के नाम आ गए जो आपको डाइट एक्सरसाइज ये सब चीजें बता रही होती। तो मैं बड़ी हैरान, आजकल मेरे मोबाइल पर बार बार शादी ब्याह वाले डिजाइनर जो हैं उनके स्पॉन्सर्ड वो आई जा रही है ना, बार बार स्लाइड्स आई जा रही हैं। तो मैंने कहा ये मोबाइल सुनता है, तो इसी तरह सुनते सुनते मैंने कहा यही तो जमाना है कि जब हम शादी कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। इस शादी कंपटीशन में हम क्या करेंगे? शादी कंपटीशन में हम आपको मौका देंगे, अगर आपके घर में अभी शादी भी नहीं है तो आप शादी शादी फील कर सकते हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए ना वो सेलिब्रेशन नहीं की। जब घर में कोई भी खुशी होती है पूरा खानदान उसे सेलिब्रेट करने में आगे आगे बढ़ जाता है। तो अगर आपने अपने खानदान की शादी में मेडले यानी डांस प्रैक्टिस की है, खूब तालियां बजा बजा के गाने गाए हैं, अपने पूरे खानदान के को बैठकर मेकअप के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लाइक पुप्पी मैं आपका लाइनर सीधा कर दूं, अरे लिपस्टिक सही नहीं लगाई तुमने, चलो जमीला मुझसे लगवा लो, तो आपकी प्रैक्टिसेस भी हो जाती हैं, आप इंजॉय भी करते हैं। कभी कभार तो मैंने देखा है खास तौर पे वो लड़कियां जो मेकअप एक्सपर्ट होती है वो अपने आप का मेकअप ही नहीं कर पाती शादी में, वो बिल्कुल सरझार मुंह फाड़ पहुंची होती है, क्यों, पूरे खानदान को उन्होंने तैयार किया होता है। तो अगर आपका हाथ इन सब चीजों में साफ है, गला साफ है, पैर वैर सब साफ है, तो आइए आपको मौका दे रहे हैं। हम तीन दिन कॉम्पिटिशन करेंगे और दो दिन हम कोई इंफॉर्मेशन वाला शो आपको देंगे। ये हमने एक पूरा एक पैकेज क्रिएट किया है इस पूरे वीक जो शादियों में आप रात को जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सुबह सुबह फीका फीका शो ना लगे, वो जो एक पूरा एक माहौल क्रिएट हुआ है वही माहौल सुबह भी क्रिएट रहे। वैसे भी हमारी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट की सोर्स शादी ही होती है, उसी के लिए अब हमें फेशियल भी कराना है, फ्रेश भी होना है, बाल भी अच्छे लगने हैं, डाई भी करना है, वो सारी चीजें उसी के में मतलब लाइक इर्द गिर्द घूमती है। आज से हम ये शादी कंपटीशन वीक शुरू कर रहे हैं। आज हम क्या बता रहे हैं, आपकी शादी है, आपको मेकअप कराने से पहले अपनी स्किन का क्या करना है, आपको शादी में जाना है, आपको सलोन इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, आप कुछ दिन पहले ही अपने साथ क्या कर सकती हैं, ये सारी बातें हमने बताना है, ताकि आप इतने दिनों बाद खानदान वालों से मिलेंगी शादी में, इतने दिनों बाद दोस्त अहबाब से मिलेंगी, इतने दिनों बाद अच्छे जरा महंगे जरा स्टाइलिश कपड़े पहनेंगी, थोड़ा मेकअप करेंगी, तो ये सब चीजें तभी अच्छी लगेंगी जब आप थोड़ी सी पतली हो, जब आपका स्किन थोड़ी सी ग्लो कर रही हो, बाकी सारी चीजें तो वो बाकी बाहरी चीजें कर देंगी ना, वो ग्लो भी आ जाएगी शिमर लगा के, थोड़ी सी बेल्ट वेल्ट पहन के या अच्छे कट के कपड़े पहन के पतले भी लगेंगे, मगर एक्चुअल चीज क्या है, अपने वेट कंट्रोल, अपने स्किन कंट्रोल, अपने बाल कंट्रोल, इन सब चीजों को देखना है और फिर आपने अपना बेस्ट लगना है, हर कोई यही चाहता है। तो मैं अपने मैके वालों का दिल नहीं तोड़ सकती, मैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहती हूँ, आज भी ऐसे कुछ करने वाले हैं। शादी में जाना है, फेशियल के पैसे नहीं है, जोड़े में सारे पैसे लग गए,
मेकअप कराना है सैलून से और बाकी और सर्विसेज के पैसे नहीं है, मैं हूँ यहाँ आपके सारे बजट को कंट्रोल में रखने के लिए, आइए एक जबरदस्त शो लेकर आते हैं। पता क्या, देखिए बिल्कुल मेरा और आपका वो हाल है जिससे हम खानदान वाले होते हैं ना, खानदान वाले जब भी बुरा वक्त आता है या अच्छा वक्त आता है हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। यही तो ब्यूटी है हमारे मुल्क की, हमारे कल्चर की, कि अगर आपकी आंख से आंसू टपक रहा है, कोई आपका प्यारा चला गया, तो कितने दिन तक खानदान वाले आपके घर में आते रहते हैं आपको सहारा देने के लिए, आप अकेला फील ना करें, वो उस दुख में भी आपके साथ रहते हैं, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कितने दिन तक सहारा देने के लिए, आपके प्यारे की बातें करने के लिए आपके पास आते रहते हैं। एंड देन उसके बाद बस आपकी बेटी की जो रिश्ता है वो तय होने की देर है या आपकी बेटी का रिश्ता तय होने की देर है, फौरन से जी शुक्राने शुरू हो जाते हैं, मिठाई बांटना शुरू की जाती है और जो आपके जानने वाले हैं वो ढोलकियां ढोलक बजाने के लिए आपके घर फौरन आ जाते हैं आपकी खुशियों को बांटने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, कुछ लोग आपकी खुशियां बांटेंगे, कुछ लोग आपके गम बांटेंगे और कुछ लोग आपकी वो वाली चीजें बांटेंगे जो मैं आज बांटने वाली हूँ, यानी जिसे कहते हैं नॉलेज, इंफॉर्मेशन। अगर मुझे कोई चीज पता और मुझे कोई चीज इस्तेमाल करने से फायदा पहुंचाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बात मेरे पेट में रहे, वो जरूर मेरे लबों तक आकर आप तक पहुंचती है। मेरी नेचर है कि कोई फायदेमंद चीज पहुंचानी है तो सिर्फ आपको पहुंचानी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद, बस जरा से ब्रेक के बाद हाजिर होंगी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए देने के लिए। तो एंजॉय करें हमारा शादी कंपटीशन वीक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू एयरवायर डिजिटल्स यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू ऑल द न्यूज एंड अपडेट्स।